पेटीएम के बंद होने के बाद जो सबसे बेस्ट पेमेंट बैंक है वो है जियो पेमेंट बैंक, क्योंकि मेरा अकाउंट एयरटेल बैंक में है, एनएसडीएल बैंक में है, फिनो बैंक में है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में और जियो पेमेंट बैंक में भी है। हाल फिलहाल में ये जियो बैंक में आपने एक अकाउंट ओपन किए हुए हैं, तो फिलहाल जो हमें लगा सबसे बेस्ट वो जियो पेमेंट बैंक, क्योंकि इसका कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी फंड ट्रांसफर चार्ज नहीं है, एटीएम चार्ज नहीं है, एसएमएस चार्ज नहीं है, आपको सब कुछ फ्री में मिलता है और कोई भी एनुअल या फिर सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं है, जो कि आपको एयरटेल बैंक में देखने के लिए मिलता है। अगर आप एयरटेल बैंक में अकाउंट ओपन किए होंगे या फिर कीजिएगा, आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज 100 रुपया पे करना पड़ता है, एसएमएस चार्ज लगता है, बाकी जितनी भी पेमेंट बैंक है सब बैंक अपने कस्टमर से एसएमएस चार्ज वसूलती है, पर जियो पेमेंट बैंक अपने यूजर से अपने कस्टमर से एसएमएस चार्ज भी नहीं लेती, आपके लिए ये फ्री रहता है, क्योंकि हम जियो पेमेंट बैंक को यूज कर रहे हैं उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप भी जियो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आप सही वीडियो के ऊपर क्लिक किए हैं। तो कैसे आपने जियो बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन करके दिखा देते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले माई जियो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन कर लेने के बाद यहाँ आपको एक नंबर डालना पड़ेगा। देखिए जरूरी नहीं है कि आप जिस नंबर से अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो जियो का ही नंबर होना चाहिए। अगर आपका जियो का नंबर नहीं है, किसी अदर कंपनी का नंबर है, तो फिर भी आप जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप जिस भी कंपनी का नंबर यूज कर रहे हैं वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। नंबर डालने के बाद परमिशन मांग रहा है तो परमिशन दे देंगे, उसके बाद नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से वेरीफाई भी कर लेगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद जो माई जियो ऐप का इंटरफेस दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद कुछ परमिशन मांगा तो परमिशन को यहाँ से अलाउ कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन एक मिल जाएगा बैंक का, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर बैंक का ऑप्शन नहीं दिखे, ऑप्शन मिलेगा मोर का, जब आप इस मोर के ऊपर क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन दिख जाएगा बैंक का, तो आपको बैंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर से परमिशन मांग रहे तो परमिशन दे देंगे। उसके बाद देखिए बोल रहा है वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक, अर्थात आपको अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाएगा। यहाँ से इसको कट कर देते हैं। जब कट करते पहले बोल रहा है देखिए नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, अर्थात आपको कोई भी बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा और आपको 3.5% के दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी UPI ऐप को भी यूज कर सकते हैं, लाइक फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, आप सभी UPI ऐप को यूज कर सकते हैं, जियो बैंक को उसमें ऐड कर सकते हैं। नीचे में आपसे मिल जाएगा लेट गेट स्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका नंबर वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको 4 डिजिट का MPIN बनाने के लिए कहा जाएगा, आप यहाँ से 4 डिजिट का MPIN मिल जाएगा। इसी MPIN के माध्यम से बाद में चल के आप जियो बैंक में लॉगिन कीजिएगा। अपना MPIN बना लेने के बाद नीचे में आपसे मिल जाएगा प्रोसीड का, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा, बोलेगा जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट, आप बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ से वैसे ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है। अगर ऑटोमेटिक वेरीफाई ना करे अपना OTP डाल करके, और नीचे में आपसे मिल जाएगा प्रोसीड का, तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन में का तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके। तो नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा, बोलेगा JPB सेविंग और, अर्थात आप यहां से जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा, गेट ए जीरो बैलेंस अकाउंट विथ फ्री फंड ट्रांसफर, UPI पेमेंट, फ्री SMS अलर्ट एंड मंथली स्टेटमेंट। कहने का मतलब हुआ अकाउंट ओपन कर लेने के बाद ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा और फ्री में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, आप जहाँ चाहें उसको जियो बैंक को लिंक कर सकते हैं, और आपको जो SMS मिलेगा बिल्कुल फ्री रहेगा। मंथली ई स्टेटमेंट, कहने का मतलब हुआ आपको जो ईमेल पे स्टेटमेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री में स्टेटमेंट मिल जाएगा। नीचे में आपसे मिल जाएगा प्रोसीड का, तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पैन नंबर डालेगा, तो आपने यहाँ से पैन नंबर डाल देंगे, नीचे में अपना आधार नंबर डाल देंगे और दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे में आपसे मिलेगा जनरेट OTP, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP सेंड किया गया है, तो वो OTP यहाँ पे डाल देंगे
और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से पूरा डिटेल आपका ले लिया जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड का नाम होगा, एड्रेस होगा, सब कुछ आपको यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। नीचे में आपसे मिलेगा कम्युनिकेशन ईमेल, अर्थात आपको एक ईमेल आईडी इंटर करना पड़ेगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप जो भी लेन देन कीजिएगा तो स्टेटमेंट जो मिलेगा आपको इसी ईमेल पे मिलेगा, तो आप वो एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। नीचे में आपसे मिलेगा एड्रेस डिटेल का, यहाँ देखिए बोल रहा है सेम माई आधार एड्रेस। कहने का मतलब हुआ अगर जहाँ आप रह रहे हैं वही एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर है, आप इसको चेकबॉक्स कर दीजिएगा। अगर आप जहाँ रह रहे हैं उस वो वाला एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर नहीं है, आप यहाँ से इसको अनचेक करके आपने एड्रेस फिलअप कर दीजिएगा। हम जहाँ रह रहे हैं वही एड्रेस मेरे आधार कार्ड में, हम इसको चेकबॉक्स कर देंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाएगा मेरिटल स्टेटस, आप क्या सिंगल है या फिर मैरिड है। अगर आप मैरिड है आप मैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा। जब आप मैरिड को सिलेक्ट कर रहे थे क्या आपको एस पुश फर्स्ट नेम डालने का ऑप्शन मिलेगा। कहने का मतलब आपको अपने पत्नी का नाम डालना पड़ेगा। अगर आप सिंगल है तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद फादर का जो लास्ट नेम होगा यहाँ पे डालना होगा, और आप वही नाम और वही आप अक्षर के साथ डालेगा जो कि आपके पैन कार्ड के साथ रहेगा। उसके बाद नीचे में मदर का फर्स्ट नेम और मदर का लास्ट नेम। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप जो भी हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, आपका क्या इनकम है, आप अपना इनकम सिलेक्ट कीजिएगा। सेविंग करते हैं या फिर कहीं से कहीं जॉब करते हैं, आप जो भी करते हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद एनुअल इनकम, आप कितना कमा लेते हैं, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं 50,000 से 1,00,000 या फिर 1,00,000 से 5,00,000, आप जितना भी सालाना कमा लेते हैं बचा लेते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहां से 50,000 से 1,00,000 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा नॉमिनी ऐड करने का, अगर आप अपना नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नाउ के ऊपर क्लिक करके नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अगर नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते ऑप्शन मिल जाएगा स्किप फॉर नाउ, इसके ऊपर क्लिक कर लेना होगा। लेकिन हम नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है रिलेशन विद नॉमिनी, आपका क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ से अपना रिलेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ से ब्रदर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नॉमिनी का जो फर्स्ट नेम होगा यहाँ पे डाल देंगे, नॉमिनी का लास्ट नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे, नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड से देकर के नॉमिनी के आधार कार्ड से इसमें इंटर कर देंगे। और नीचे में देखिए बोल रहा है एंड नॉमिनी कम्युनिकेशन एड्रेस। कहने का मतलब आप जहां रह रहे हैं क्या नॉमिनी भी वहीं रह रहा है या फिर किसी अदर एड्रेस पे रह रहा है, आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन मेरा जो नॉमिनी है जहां की हम रह रहे हैं जिस घर पे वहीं नॉमिनी भी रह रहा था, हम यहाँ से सेम एज माई आधार एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर नॉमिनी किसी और एड्रेस पे रहे तो आपको ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करके सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर क्लिक करके वो एड्रेस फिलअप कर देंगे, देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पूरा डिटेल आपके सामने रिव्यू के लिए आ जाएगा, अर्थात अपना डिटेल मैच कर लीजिए, आप जो डिटेल डालें वो सही सही है या कोई मिस्टेक हो गया। अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आपको आपसे मिल जाएगा एडिट का, आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अपना डिटेल करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे में आपको आपसे मिल जाएगा सबमिट का, तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप वीडियो कॉल के लिए रेडी हो चुके, अर्थात आपके साथ एक जियो पेमेंट बैंक का एक एजेंट जुड़ जाएगा। उससे पहले आपको अपना कुछ डिटेल अपने पास में रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने पास में ब्लैक या फिर ब्लू पेन, उसके साथ आपको एक वाइट पेपर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके साथ एजेंट जुड़ेगा तो आपको अपना सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए और आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखना होगा। वो आपको दिखाने के लिए कह रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सभी चीज अपने पास में रख लेने के बाद आपको स्टार्ट कॉल विद एन एजेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से फिर से परमिशन मंगा जाएगा आपको माइक के लिए, आप जो भी बोलेगा उधर से रिकॉर्ड होगा। इसको से परमिशन देने के बाद उसके बाद आपके साथ एक एजेंट जुड़ जाएगा। एजेंट जुड़ने के बाद आपका फोटो खींचेगा, आपका पैन कार्ड देखेगा, आपसे सिग्नेचर करवाएगा। पूरा डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ ऐसा मैसेज मिल जाएगा, वीडियो केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुल, अर्थात अब आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। आपको SMS भी मिल जाएगा, SMS में देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा कंग्रेचुलेशन योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट, आपका जो लास्ट का अकाउंट नंबर रहेगा सो रहेगा सक्सेसफुल ओपन, नाउ ट्रांसफर फंड बिल पेमेंट, आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, अर्थात आपका अकाउंट ओपन हो चुका। अगर आपका इंस्टेंट
अगर आपको इंस्टेंट में ये वाला मैसेज नहीं मिलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, लगभग 2 से 3 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको मैसेज मिलेगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा वो आपको मैसेज के रूप में मिलेगा, उसके बाद आप माई जियो में इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप जियो पेमेंट बैंक में अपने 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके मन में कोई कन्फ्यूजन कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।